वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पानी की टिक्की, जो कि सभी की बहुत फेवरेट होती है। और इसका पानी हमने घर पर ही बनाया है। पानी की टिक्की आप चाहें जो टिक्की है वो आप मार्केट से ख़रीद सकते हैं, लेकिन जो पानी है उसमें बाज़ार में बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलाते हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती हैं। तो ये पानी आप घर पर ही बना लीजिए और ये बहुत टेस्टी बनता है। और इसमें कोई ज़्यादा ऐसी चीज़ नहीं हम डालते हैं जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक हैं। तो ये पानी आप घर पर बनाइए और बाहर की चीज़ों को अवॉइड कीजिए। तो आइए टिक्की का पानी बनाना हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने लिए हैं कच्ची कैरी, जो कि आजकल बहुत आ रही हैं, थोड़े से फ्रेश पुदीना के पत्ते हैं, हरी धनिया है और हरी मिर्च है। और ये कच्ची कैरी को हमने छीलकर और बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। और कुछ मसाले हैं जैसे भुना हुआ जीरा पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर और सादा नमक, थोड़ा सा काला नमक, धनिया पाउडर, टाटरी और आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी पिसी हुई शक्कर मिला सकते हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आप थोड़ा खट्टा मीठा पानी पसंद करते हैं तो थोड़ी शक्कर डाल लीजिए। इन सारी चीज़ों को हमने मिक्सी में डालकर और इसका पेस्ट बना लिया है। और इसमें हम डाल लेंगे थोड़ा सा पानी, और पानी डालने के बाद इन सारी चीज़ों को हम छान लेंगे ताकि जो भी अशुद्धि वगैरह है या थोड़ा सा मोटा सा रह जाता है तो वो छन के निकल जाएगा। तो हमने पानी मिलाकर इसे छान लिया है और इसको हम थोड़ा सा अच्छे से चला लेंगे ताकि ये देखिए कितना इसमें छन्नी में निकला है। तो कितना भी हम बारीक पीस तो भी थोड़ा सा मोटा तो रह ही जाता है। और घर का पानी बहुत सही रहता है, अब कोई मानता तो है नहीं बिना खाए, सबका मन होता है खाने का। तो इसका पानी हम घर पे आराम से अच्छे से बना सकते हैं साफ़ सुथरे तरीके से। और ये हमने छान लिया है और इसमें हम डालेंगे अब मसाले। इसमें हमने डाला है नमक, सादा और काला नमक दोनों। और धनिया पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर, लाल मिर्च और टाटरी। और अगर थोड़ा सा आपको टेस्ट और थोड़ा सा मीठा चाहिए तो इसमें आप थोड़ी सी शक्कर डाल सकते हैं। और अगर आपको खट्टा ही तीखा पसंद है तो आप शक्कर को स्किप कर दीजिए। और इन सारी चीज़ों को हम मसाले में जो पीसा था हमने उसमें भी डाल सकते थे, लेकिन वो छन्नी से जब हम छानते हैं तो ये मसालों का जो टेस्ट है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि मसाले सब छन के निकल जाते हैं। तो इसलिए हमने ये सारी चीज़ों को बाद में डाला है। और अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और आप घर कोई भी चीज़ है आप घर पर ही बना के खाइए, बाहर की चीज़ें इस समय क्या हमेशा ही थोड़ा सा खाना है, इनको हम कम कर दें तो सभी के लिए ये बहुत ही सही बात है। क्योंकि बाहर पता नहीं ये लोग कैसे बनाते हैं, कैसा पानी यूज़ करते हैं। तो घर पर हम थोड़ी सी मेहनत करके और अच्छे से साफ सुथरे तरीके से हम कोई भी चीज़ें घर पे बना सकते हैं, तो खाने में भी अच्छी लगती है और हमें नुकसान भी नहीं करती है। तो ये हमारा टिक्की का पानी रेडी है। थोड़ा सा आप आलूओं को बॉयल कर लीजिए और उसमें प्याज और नमक डालकर, और ये हमारी जो पानी की टिक्की है वो रेडी है खाने के लिए। तो आप इस तरह से अच्छे तरीके से साफ़ सुथरे तरीके से घर पर ही पानी बनाइए और टिक्की खाने का मज़ा लीजिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए और अपना फीडबैक हमें दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और साथ ही बेल बटन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और आप इस तरह अच्छी अच्छी वीडियो देखें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई।